पाकिस्तान में बिजली, पानी और खाने की किल्लत से पहले से है और अब पाकिस्तान पर तेल का संकट मंडराने लगा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ये हालात तब ज्यादा बन गए जब लगातार पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले दम तोड़ रहा है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों को रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर पहले ही पाकिस्तान की शहबाज सरकार को रिफाइनरी ने चिट्ठी लिखकर आगाह किया था। लेकिन बर्बाद होती अर्थव्यवस्था के सामने बेबस और लाचार हो गई शहबाज सरकार ने कुछ नहीं किया और अब खबर है कि कई रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। जैनको ने रिफाइनरी ने भी जो था अपनी पैदावार बंद कर दी और एक हफ्ते तक उन्होंने ये पैदावार बंद करने को कहा है। दरअसल हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 271.36 रुपए हो गई है, तो वहीं विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होने वाला है, जिससे कच्चा माल खरीदना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की बदहाली का ढिंढोरा अब खुद पाकिस्तान की सरकार ने पीटना शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना कि उनका देश कंगाल हो गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पूरी उम्मीद थी कि जब आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आएगी तो दाने दाने को तरस रहे पाकिस्तान की जनता से निवाला छीन कर आईएमएफ की टीम की मेहमान नवाजी करेंगे, जिससे आईएमएफ उनको बदले में कर्ज देगा। लेकिन जब शहबाज शरीफ के ख्वाब पर आईएमएफ ने पानी फेर दिया तो अब शहबाज शरीफ ने माना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया। यही नहीं, शहबाज शरीफ के सामने आईएमएफ ने कई शर्तें रख दी, जिसके बाद तो पाकिस्तान की सरकार पसीना पसीना हो गई। वो शर्तें क्या हैं? ये तो खुलकर शहबाज शरीफ ने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि बदहाली में आईएमएफ की शर्तें माननी होंगी, क्योंकि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त है, फिर पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल घोषित कर दिया जाएगा। इस बीच खबर है कि अमेरिका के 7 राज्यों में लोगों की प्यास बुझाने वाली एक नदी तेजी से सूख रही है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है। कोलोराडो नदी के पानी के लिए जंग तो अभी से शुरू हो चुकी है। और खबर है कि अमेरिका के 7 राज्यों में पानी के बंटवारे पर विवाद शुरू हो चुका है। 2330 किलोमीटर लंबी कोलोराडो नदी अमेरिका के 7 राज्यों की प्यास बुझाती है, लेकिन इनमें सिर्फ कैलिफोर्निया ऐसा राज्य है जहाँ पानी का स्तर ठीक है, लेकिन इसके अलावा 6 ऐसे राज्य हैं जहां नदी का स्तर पानी निकलने लायक भी नहीं बचा। यही वजह है कि पानी का बंटवारा नए सिरे से करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 साल पहले अमेरिका के इन सभी राज्यों के बीच कोलोराडो नदी के पानी का समझौता हुआ था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये नदी सूख भी सकती है, लेकिन 22 साल से पड़ रहे सूखे ने कोलोराडो नदी के पानी को काफी कम कर दिया। कैलिफोर्निया में नदी का 80% हिस्सा पड़ता है, इसीलिए कैलिफोर्निया की भूमिका इस झगड़े में सबसे अहम है। बाकी के राज्य कैलिफोर्निया से नदी का पानी मांग रहे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। सूखा पड़ने से पहले तक ये नदी अमेरिका के 7 राज्यों के 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती थी, लेकिन अब सिर्फ कैलिफोर्निया का गला तर कर पा रही है। दावा यह है कि 1200 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कोलोराडो नदी के सूखने की नौबत आई हो। नदी के सूखने की वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।